नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ जानकारी दे रहा हूँ पहाड़ी बकरियों और पहाड़ी भेड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी बकरी और पहाड़ी भेड़ जिनसे हमको प्राप्त होता है दूध, मांस, चमड़ का मतलब चमड़ा, खाद और बाल, जिसके बाल इस्तेमाल होते हैं। आजकल ठंड का समय है, स्वेटर साफ पहनते होंगे, कंबल ओढ़ते होंगे। जी हाँ, पहाड़ी बकरियों और पहाड़ी भेड़ों के जो बाल होते हैं उससे ऊन बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, दरियाँ बनाए जाते हैं हर उपयोग में। अच्छी क्वालिटी का हो तो ऊन वगैरह, पश्मीना ऊन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि हिमालय की पहाड़ी जो भेड़ और बकरियाँ होती हैं उन्हीं से बनाया जाता है। ज़्यादातर कश्मीर, तिब्बत और पामीर के पठारों में होने वाली बकरियों से ये हमको ऊन प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन। और ये भेड़ों का झुंड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी क्षेत्र से जा रही हैं जाड़ों के वक्त, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है। तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर भाबर के क्षेत्र में, प्लेन के क्षेत्र में, टनकपुर की तरफ, तो 200 किलोमीटर का ये दूरी करीब 10 से 15 दिनों में पूरी करती हैं। क्योंकि भेड़ देखिए आप हजारों की तादाद में हैं, जिनके चरवाहे और रखवाले साथ में पूरे भेड़ चाल एक के पीछे एक चल रही है, और ये लोग साथ में इनके रहते हैं। किसी को चोट लग जाती है तो उसको भी लेकर चलते हैं, उसको छोड़ नहीं देते रास्ते में। आपको कुछ भारत में पाई जाने वाली भेड़ और बकरियों की नस्लें बताता हूँ, कोई अगर इसका बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि दूध भी होता है, मांस भी होता है, चमड़ा भी इसका उपयोग में होता है, खाद भी और बाल भी, ऊन, कंबल आगे आदि बनाने के काम में आता है। तो जमुनावारी जो है बहुत अच्छी नस्ल है, गद्दी नस्ल है, चांगथाकी नस्ल है, सिरोही, मारवाड़ी, जखराना, बीटल, बारबरी, मेहसाणा, सूरती, कच्छी, गोयलावाड़ी, झालवाड़ा आदि नस्लें हैं, जो कि बहुत उत्तम किस्म की नस्लें भारत में पाई जाती हैं। और जो इसका बिजनेस करना चाहता है, इतनी अगर उपयोगी है, आपको बता रहा हूँ, जो इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो आदमी कर सकता है। जो इसकी जाति होती है दोस्तों, और जो वंश है, जाति तो जंतु हो गई, वंश इसका कैपरा में आता है, CAPRA कैपरा। और जो संघ है इसका, वो हिंदी में रजुकी और इंग्लिश में को डाटा बोलते हैं, CHORDATA। और स्तनधारी है ये, मैमलिया में आता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो थोड़ी बहुत मैंने दी आपको पसंद आई होगी। अगर आप उनका बिजनेस करना चाहते हैं, भेड़ पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो भारत सरकार की बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो आप विकास भवन में जाके पता कर सकते हैं योजनाओं के बारे में, और लाभ ले सकते हैं इनका। भेड़ जो होती हैं एक कोमल घास खाती है, और उन्हीं कोमल घास को खाने के लिए मुनस्यारी से निकल पड़ी हैं प्लेन क्षेत्र टनकपुर की तरफ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस बातों को। और देखिए भोटिया कुत्ता जो कि रखवाली करता है जानवरों से, इनकी अपने चरवाहे दोस्तों का साथ देते हुए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय देवभूमि, जय भारत।